मैं कहता हूँ क्षारीय भोजन खाओ। अगर इंग्लिश में बोलूँ तो अल्कलाइन डाइट। व्हाट इज अल्कलाइन डाइट? बहुत कम लोगों को मालूम है। आइए इसके बारे में जानते हैं, जो सबसे जरूरी है, हाईलाइट, पूरे प्रोग्राम का सारांश। क्यों जरूरी है ये भी जानते हैं। पूरे ब्रह्मांड के अंदर 70% पानी है, 30% पृथ्वी है। हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर 70% पानी है, 30% हड्डी मांस है। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? 70% ऐसा भोजन होना चाहिए, 80% जिसके अंदर भोजन भी हो, विटामिन भी हो, पोषण तत्व भी हो और पानी भी हो, पानी युक्त भोजन। और 30% अनाज होना चाहिए। पानी युक्त भोजन ये कौन सा होता है? इसको हम क्यों खाएं? क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, पौधा पृथ्वी में लगा हुआ है, उसको पानी नहीं मिल रहा, उसके पत्ते सूख जाएंगे, उसकी टहनियां अकड़ जाएंगी। अब हम उसको पानी देना शुरू करते हैं, महीने दो महीने में देखते हैं, एक दिन में पानी देने से बात बनी नहीं बनेगी, एक दिन में बहुत सारा पानी दे देंगे तो भी बात नहीं बनेगी। धीरे धीरे पानी देते हैं, देखते हैं पौधा हरा भरा हो गया और टहनियों के अंदर लचकपन वापस आ गया। जो अकड़ गई थी, जो ऐसे करती थी, टक टक करती थी, टूटती थी, वो जितना मर्जी मरोड़ो कुछ नहीं होता। तो ऐसा पानी देने से हो गया लगता है। पानी ने तो ट्रांसपोर्ट का काम किया। पृथ्वी के अंदर जो समस्त पोषण तत्व थे, आयरन, कैल्शियम, लोहा, सोना, सब पृथ्वी से मिलता है, वो सब पौधे को मिलने शुरू हुए और पौधा हरा भरा हो गया। अब हम चलते हैं अपने शरीर के अंदर। मैं एक आम आदमी से पूछता हूं, आप क्या खाते हैं? क्या बोलेगा? जर्नल डाइट। मैं सुबह एक कप चाय साथ में पराठा ले लेता हूं। कोई कहेगा मैं सैंडविच लेता हूं, कोई कहेगा मैं डोसा लेता हूं, कोई कहेगा मैं इडली लेता हूं, अलग अलग बात। फिर दोपहर में रोटी सब्जी लेता हूं, शाम को 4 बजे एक कप चाय साथ में बिस्किट ले लेता हूं, रात को दाल रोटी खाता हूं। प्योर वैष्णव हूं, फिर भी बीमार हूं, फिर भी एक दर्जन बीमारियां हैं। अभी दिन में 10 दफा चाय पिएगा, समोसा कचौरी खाएगा, आइसक्रीम खाएगा, लड्डू जलेबी खाएगा, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, छोड़ो, वो तो खाता ही नहीं बेचारा। तो ये जो 4 दफा भोजन ले रहा है, ये 4ों दफा एसिडिक डाइट ले रहा है, ये अल्कलाइन डाइट नहीं है। अब पेट के अंदर ऐसा प्रबंध बनाना है जो पौधे को पानी देने से बनता है, पृथ्वी के समस्त तत्व पानी के माध्यम से पेड़ को मिले। ऐसे हमारे शरीर को कैसे मिलेंगे? जैसे पौधा पृथ्वी में है, उसकी जड़ है, पानी के अभाव की वजह से पौधे के पास पृथ्वी होने के बावजूद भी वो भूखा मर रहा है, उसके पत्ते सूख रहे हैं, टहनियां कट रही हैं। ऐसे ही हमारे घर के अंदर पैसा है, रसोई के अंदर काजू पिस्ते बादाम हैं, लेकिन हमारा शरीर तड़फ रहा है और भूखा मर रहा है, उसको सर्वाइकल हो रहा है, टहनियां कट रही हैं, उसको डबल कच्चे सलाद, देसी खीरा, देसी टमाटर एक प्लेट में छिलके सहित काट लेंगे, उसके ऊपर कच्चे नारियल की घेरी, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं, दूध भी है, घी भी है, चिकनाहट भी है, कोई व्यापार भी नहीं है। इसको कद्दूकस करके एक व्यक्ति के लिए इतनी उसके ऊपर डालेंगे, एक टाइम केवल सलाद खाएंगे, उस टाइम रोटी नहीं खाएंगे, तो क्या बनेगा? वो बनेगा जो पौधे को पानी देने से बनता है। पृथ्वी के समस्त पोषण तत्व फल और सब्जियों में है, पानी उनके अंदर है, पानी के माध्यम से वो सब कुछ शरीर को मिलेगा, फिर चमत्कार होगा। जो घुटने बदलवाने की बात करते हैं, जो आर्थराइटिस की बात करते हैं, मिले आके दो तीन महीने बाद, पहले ये करें जो कह रहा हूं। एक टाइम केवल फल हम भोजन करते हैं, उसके साथ थोड़ा सा सलाद ले लेते हैं, अच्छी दाल रोटियां खा जाते हैं, सलाद की प्लेट बेचारी रखी की रखी रह जाती है। तो एक टाइम केवल सलाद, एक टाइम केवल फल, एक टाइम नारियल पानी, एक टाइम सफेद पेठे का रस। आइए अब दिनचर्या की बात करते हैं। हम रात को सोए, सुबह उठे, बिस्तर पे बैठे बैठे सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, जो जिसको मानता हो, जिसके पास जितना समय हो। उसके बाद सीधे टॉयलेट जाएंगे, वहां पर जाके बैठेंगे, जोर नहीं लगाएंगे, अपने आप पेट साफ हो जाए तो बहुत बढ़िया।
अगर अपने आप पेट साफ नहीं होता तो हमारे पास ये अनीमा है, इसका प्रयोग करेंगे। तो टोना, ये जादू टोना है, और कब्ज वाले इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे अगर अपने आप पेट साफ नहीं होता तो। इसकी विधि बताई जा चुकी है, फिर दोबारा बता देंगे। और उसके बाद पार्क में आ जाएं, आप लोग पार्क में आ रहे हैं, अच्छी आदत आपको है, यहाँ पर वॉकिंग करें, यहाँ पर से साधारण योगासन करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें। घर गए, पेठे का रस पीजिए, आपको सफ़ेद पेठे का रस यहाँ पिलाया ही जाता है, अपने घर पे भी पी सकते हैं। और अगर नारियल पानी पीना चाहें इसको भी ले सकते हैं। नारियल पानी के अंदर ये केले का डंडा, ये बहुत लाभदायक चीज़ है, इसका लगभग इससे आधा ले लें, इसका ऊपर का छिलका उतार दें, इसको कद्दूकस करके बीच वाला जो जो इस ट्यूब की रॉड जैसा सफ़ेद है, इसको कद्दूकस करके इसको नारियल पानी में मिला के सुबह के वक्त में ले सकते हैं। फिर 2 घंटे बाद कच्चे सलाद या फल ले लीजिए, 2 घंटे बाद कोई एक किस्म का फल ले लीजिए। फिर दोपहर में कच्चे सलाद, जैसे पहले बता चुका हूँ, शाम को 4 बजे फिर नारियल पानी, और रात को डिनर में खाना, खाने में उबली हुई सब्जी और उसके साथ रोटी। रोटी कैसे बनेगी? कंपोजिट रोटी, पालक, चौलाई, धनिया, पुदीना, जो भी मौसम की पत्ते वाली सब्जी हो। अगर पत्ते वाली सब्जी ना मिले तो घी को ही कद्दूकस कर लीजिए, गाजर के मौसम में गाजर को कद्दूकस कर लीजिए, मूली के मौसम में मूली को कर लीजिए, उसके अंदर चोकर सहित आटा मिलाएं और कंपोजिट चपाती बनाएं, संयुक्त रोटी बनाएं। ये रोटी बहुत लाभ करेगी, हाजमे में बहुत बढ़िया होगी। उसके साथ उबली हुई सब्जी बनाएं, सब्जी को घिया को ले लें, मान लीजिए घिये की सब्जी हम बना रहे हैं, उसको पानी में डाल दें 2 घंटे के लिए, पड़ी रहने दें। उसके बाद रनिंग वाटर में अच्छे से धो के उसको काट लीजिए, काटने के बाद किसी सब्जी को नहीं धोना। उसके बाद उसको प्रेशर कुकर में डाल के, चाहे तो 2 सब्जियां मिला सकते हैं, एक घिया ले लें और एक कोई तोरी ले लें या टिंडा ले लें, 2 मिक्स कर सकते हैं, या एक सब्जी ले लें। तो उसको प्रेशर कुकर में डाल के 1 या 2 सीटियां लगवा लें, थोड़ा सा ज़्यादा मत गलाएं उसको, 1 या 2 सीटी में काम बन जाएगा। और फिर एक प्लेट के अंदर बाहर टमाटर, देसी टमाटर को बारीक काट लीजिए, कच्चे नारियल की गिरी को कद्दूकस कर लीजिए, थोड़ा हरा धनिया ले लीजिए, थोड़ा भुना हुआ जीरा ले लीजिए, अगर पेट का कोई अल्सर वगैरह ना हो तो हरी मिर्च ले सकते हैं, थोड़ा नमक ले सकते हैं। इस सब को मिक्सी में डाल दीजिए, मिक्सी में डाल के सब्जियों के अंदर जो पानी था, सब्जी में पानी डालेंगे जब कुकर में सब्जी डालेंगे, उस पानी को भी मिक्सी में डाल दीजिए, सब्जी को नहीं, उसको चला दीजिए। उसको चलाने के बाद आपके पास ग्रेवी बन जाएगी, जो आपके पास वो ग्रेवी बन गई, वो जो रायता सा बन गया, उसको सब्जी में मिला दीजिए, बस सब्जी तैयार। इस तरह की सब्जी बनाएं और खा के देखें। तो सब्जी रोटी आपका शाम का भोजन हो गया। इस तरह ये भोजन लेना शुरू करें। इसमें मैंने क्या कहा, दिन में कच्चा रात को पक्का, सीधा सीधा फार्मूला, रात को एक टाइम पका हुआ भोजन और दिन दिन में कच्चा भोजन। कच्चे भोजन के अंदर कोई कहता है मैं तो पेठा निकाल नहीं सकता, कोई कहता है पेठा मेरे को मिलता नहीं, अच्छा अलग अलग तरह की विचारधारा हैं, कोई कहता है नारियल महंगा है, एडजस्ट योर सेल्फ। कच्ची सब्जी खानी है, पक्का फल खाना है, मौसम का फल होना चाहिए, एक वक्त में एक फल खाना है, जब भी भूख लगे। वैसे आदर्श ये है, सुबह के टाइम में पेठे का रस, 2 घंटे बाद फल, एक कोई एक किस्म का फल, दोपहर के टाइम में कच्चे सलाद, शाम को 4 बजे नारियल पानी और रात्रि को भोजन। नहीं तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन एक ही दायरे के अंदर रहें, दिन में कच्चा रात को पक्का। अगर किसी के अंदर इतनी शक्ति ना हो, वो कहे ये तो भूखे मरने वाला काम है, तो भाई फिर दोपहर का भोजन ले लो, और इससे ज़्यादा क्या करोगे। 2 वक्त से ज़्यादा भूख नहीं लग सकती किसी भी तंदुरुस्त व्यक्ति को। मानव जब इस पृथ्वी पे आया
उसने भगवान से प्रार्थना की, मेरे को पृथ्वी पे भेज रहे हो, दो वक्त की रोटी दे देना। तीन या चार वक्त की रोटी मांग के ही नहीं आया, जगह अपनी होती नहीं, निजायज कब्जा कर लेते हैं, फिर बलडोजर आता है, तकलीफ होती है। दो वक्त से ज्यादा अनाज खाना नजायज कब्जा है तो रोग आएंगे ही। अपने भोजन को ठीक करें। पूरे हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में कहा जाता है, जो दिन में एक दफा खाएगा वो योगी, जो दो दफा खाएगा वो भोगी, और जो तीन दफा खाएगा वो रोगी। तो आइए अब मैं अपनी बात को समापन कर दूं। अंत में एक बात संदेश दूंगा जिसमें पूरा मैसेज क्लियर हो जाएगा। तीन तरह की रसोई, एक है भगवान की रसोई, एक है इंसान की रसोई, और एक है शैतान की रसोई। जो फल और सब्जियां खेतों में पकती हैं वो अन्न कुकड़ नहीं है, वो सन कुकड़ हैं, वो भगवान की रसोई में पकती हैं। उसको सूर्य भगवान मीठी मीठी आंच पे तपाते हैं, उसको वायु भगवान लोरी दे दे के खिलाते हैं, उसको चंद्रमा अपनी दिव्य औषधियां प्रदान करता है, जल अपना रस प्रदान करता है, पृथ्वी खनिज पदार्थ प्रदान करती है, लोहा भी पृथ्वी से निकलता है, सोना भी पृथ्वी से निकलता है। जो भगवान की रसोई का खाएंगे वो भगवान जैसे हो जाएंगे। भगवान सुंदरियवान है, भगवान शक्तिवान है, भगवान रोगी नहीं होते, भगवान दवाई नहीं खाते। दूसरी है इंसान की रसोई। जो इंसान की रसोई में भगवान की रसोई के स्वाद को सुरक्षित रखेंगे, टिंडे की सब्जी में टिंडे का स्वाद आना चाहिए, घर वालों से पूछना पड़ता है कौन सी सब्जी बनाई है, सब्जी का स्वाद ही नहीं आता, मसालों का स्वाद आता है। जो इंसान की रसोई इंसान की तरह बनाएंगे वो भी स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरी है शैतान की रसोई। डिब्बा बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद, होटलों के, ढाबों के, रेस्टोरेंटों के, बाजार की रसोई के खाने ये शैतान की रसोई के खाने हैं। जो शैतान की रसोई का खाएंगे वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। लोग कहते हैं हम तो फाइव स्टार का खाते हैं, वहाँ शुद्ध होता है, वो स्टैंडर्ड का होता है, फाइव स्टार का खाते हैं। मैं कहता हूँ हम मल्टी स्टार का खाते हैं, जिसके स्टार कोई गिन नहीं सकता, आपके तो पांच ही स्टार हैं। मल्टी स्टार का खाएं, फाइव स्टार को छोड़ दीजिए और फिर स्वस्थ पाएं। तो इतना बढ़िया काम, समाज के लिए बहुत बढ़िया संदेश। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी ये सेवा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेवा हो रही है, ऐसे आप कहीं भी इस तरह का प्रबंध किसी पार्क के अंदर, किसी मंदिर के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, कहीं भी कुछ लोग एकत्र हो सकते हो, आप करें। हम निशुल्क सेवा के लिए, हमारी टीम आपको सहायता करने के लिए तैयार है। अरुण शर्मा जी जो USA से हैं, मेरे गुरुदेव जी के पुत्र, तो मैं उनको भी यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। रोग से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, रोग के कार्य में हाथ बटाएं तो इससे क्या होता है कि पनिशमेंट कम हो जाता है, उसका दंड कम हो जाता है, दर्द कम हो जाता है, उसका दौरान कम हो जाते हैं। जब किसी लड़के ने छोटे छोटे उम्र में हम कोई गलतियां कर देते हैं, कोई पदार्थ है जो टॉय है या कोई डेकोरेशन है हमारे हाथ से टूट जाता है, तो हम उसको छुपाने की अगर कोशिश करें, जो टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, कोई कांच का सामान है कोई, उसको उठा के समेट लें और बैग में डाल के कहीं छुपा दें, और माँ बाप के आने से पहले हम ऐसे कहीं और जगह में बैठ जाएं कि हमने नहीं तोड़ा, तो वो आके पूछें आपसे कि भाई यहाँ एक ग्लास रखा था या कोई डेकोरेशन रखा था तो मैंने देखा नहीं, नहीं मैंने नहीं देखा, तुरंत ऐसा जवाब दे देते हैं बचपन में डर के मारे कि भाई मुझे मारेंगे। जितना हम झूठ बोलने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा तकलीफ होगा। महात्मा गांधी ने कहा है कि सत्य बोलना तो सबसे आसान है। वाशिंगटन जो अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट हुआ, उसने एक एप्पल ट्री को पीछे बैकयार्ड में काट दिया था, तो उसके पिताजी के आने आते वक्त उसने खुद अपने आप ही कह दिया ये एक एक्स था जो कुल्हाड़ा था यहाँ पर, उसको मैं परीक्षा करना चाह रहा था और मैंने एक जो सेब का पेड़ था उसको मैंने काट दिया और मुझे बाद में दुख हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे जो दंड देना है आप मुझे दंड दें।
तो उनके पिताजी बहुत खुश हुए कि उसने सच बोला। उसने कहा है कि तुमने खुद इसके लिए दंड मांगा है, इसलिए मैं ये दंड देता हूँ कि रोज़ इसको पानी दिया करो। और इस तरह से उसका दंड तो बहुत ही कम हो गया। उसने तो सोचा कि जितना भी दंड होगा हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह हम घर में भी बच्चों को जब सच बोलते हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, जब मुश्किलें पड़ती हैं तो दवाई की तरफ भागते हैं। मुश्किलें पड़े तो हम पर इतना कर्म कर, साथ ले तो धर्म का, चले तो धर्म पर। खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों के जय से पहले खुद की जय करें। हमको मन की शक्ति देना। हम अपने मन को ऐसे दृढ़ बनाएं कि जो कोई भी शारीरिक या मानसिक तकलीफ होता है उसका सामना करें। अल्कोहलिक अनॉनिमस बोल के एक बहुत मशहूर संस्था है, जो कि शराब पीने के जो आदि हो गए हैं, एडिक्ट हो गए हैं, उनको उससे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। उनका एक सपोर्ट ग्रुप बना होता है जहां वो एकत्रित हो करके एक दूसरे से हम कहते हैं कि हम शराब छोड़ सकते हैं, हम शराब पी करके हमने हमारा ज़िंदगी ख़राब कर दिया है, परिवार खराब कर दिया है, व्यापार खराब कर दिया है, इसको हम देखें और हम सुधरें, ऐसा करके एकत्रित होते हैं। उनका एक प्रेयर होता है, मैंने जितने भी प्रेयर सुने उनसे सबसे बढ़िया मुझे उनका प्रेयर लगा, गॉड गिव मी सेरेनिटी, गॉड गिव मी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट व्हाट आई कैन नॉट चेंज, गॉड गिव मी स्ट्रेंथ टू चेंज व्हाट आई कैन, गॉड गिव मी विजडम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जो मैं दुनिया में ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो हम बदल नहीं सकते, कुछ जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो हो गया है वो हो गया। जो उसने वाशिंगटन ने पेड़ काटा था वो तो फिर जोड़ नहीं सकता है, वो तो गया, लेकिन आइंदा के लिए ऐसा ना करें, ऐसे कर सकते हैं। जो हमारे शरीर में जो रोग आ गया वो आ गया, उसके लिए हम तो इतना ही कर सकते हैं कि आगे नहीं आए ऐसे काम करें। जो प्रिवेंशन के लिए जो काम करते हैं उसी को और सख्ती से करने से ये जो रोग है जल्दी चला जाता है। रोग का रोग जो है वो हमारा पाप का दंड है। पाप कैसे करते हैं, हम बच्चे को पहले जो लाली पाप देते हैं पहले से शुरू कर देते हैं पाप। तो ऐसे जो पाप करते हैं बच्चों को भी की तरफ भी नहीं करें और अपनी तरफ भी नहीं करें। जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसकी तरफ देखें, इससे हमको लाभ होता है या नष्ट होता है, ये सब देखते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग लें। निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनीमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, Sector 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 110085। हमारे फ़ोन नंबर हैं 011-2751-0771, 09-9537-22272।